सब्सक्राइब कीजिए इलेक्ट्रोकरण चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, आज के टाइम पर देखा जाए तो इंटरनेट ने हमें सभी तरफ से घेर कर रखा है और भी हमारे काम को कर रहे हैं आसान और भी सिंपल तरीक़ों से हम सभी को एक साथ जोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज मेरे पास है एक सेटअप बॉक्स जिसमें लगा हुआ है वाईफाई। तो दोस्तों, इसकी मदद से आप अपने पुराने CRT TV में इंटरनेट का मज़ा उठा सकते हो। आप देख सकते हो यूट्यूब में वीडियो और भी गूगल मैप्स वगैरह आप इसमें देख सकते हो। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं कैसे ये बॉक्स काम करता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोकरण चैनल को। तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आ गया हमारा सेटअप बॉक्स। तो चलिए इस पैकेट को खोलते हैं। और इसके अंदर आपको मिल जाती है कुछ एसेसरीज, HDMI कॉर्ड एक मिल जाती है आपको, एडाप्टर 12 वोल्ट की 1 एम्पियर, और एक आपको मिल जाती है एक रिमोट और एडाप्टर आपको मिल जाती है 12 वोल्ट 1 एम्पियर की। और दोस्तों, इस बॉक्स में आपको मिल जाती है पीछे वीडियो वाली ऑप्शन और यहाँ पर आपको मिल जाती है HDMI पोर्ट। अगर आप HDTV में देखना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो, और जो पुरानी CRT TV में आप देख पाओगे वो है इस वीडियो पोर्ट की मदद से। तो दोस्तों, चलिए पूरा सेटअप कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने सभी सेटअप कर लिए है। यहाँ पर केबल कॉर्ड एंड जो टीवी का वीडियो पोर्ट है और जो एडाप्टर लाइन हमने जोड़ दी है, और बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा है ओटा अपडेट हो रही है, तो ये अपडेट हो जाए एक बार। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे बॉक्स हो गया है अपडेट। तो ये हो गया हमारे बॉक्स चालू यूट्यूब ऑन STV। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मिल जाएगी टीवी की जो प्रोग्राम है, चैनल वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी सारी सेटअप। तो दोस्तों, अगर आप वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको जाना पड़ेगा मेनू पर, और मेनू पर आपको मिल जाएगी वाईफाई की ऑप्शन और ऊपर आपको मिल जाएगी ऐप्स। और दोस्तों, वाईफाई को पहले सेटअप करते हैं। तो ये आ गया हमारा वाईफाई। तो यहाँ पर हम पासवर्ड को सेव करेंगे। यहाँ पर जाना पड़ेगा आपको पासवर्ड सेट करने के लिए। तो यहाँ से हमारा जो सिंपल सा पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट पर हमने एक D का अक्षर दिया हुआ है। तो इसे करते हैं सेटअप। तो सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पर दिखाई देगी, सेव करने के लिए हमें ग्रीन कलर का बटन दबाना पड़ेगा। तो ये हो गया सेव। तो अभी ये कनेक्ट कर रहा है हमारे वाईफाई से। ये देखिए, ये हो गया हमारा कनेक्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी सभी सेटअप पूरी हो गई है वाईफाई की। तो यहाँ पर इसे बैक करते हैं और चले जाते हैं हमारे ऐप्स पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूट्यूब है, गूगल मैप है, और भी अपडेट पर और भी नया नया चीज़ आएगा। तो दोस्तों, यूट्यूब पर ओके करते हैं। तो यहाँ से एक वीडियो चलाते हैं, एक हमारा ही वीडियो चला लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सेव करने के लिए यहाँ पर ग्रीन वाले की बटन दबानी होगी। तो ये आ गया हमारा वीडियो। तो एक वीडियो चला लेते हैं। इलेक्ट्रोकरण चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए, और काटने के लिए आपको ओके दबाना पड़ेगा, और ओके से आपको यहाँ पर ले जाकर फिर से ओके करना होगा। आपका स्वागत है, मैं हूँ दोस्तों, ये हो गया हमारा चालू, मेरे पास है जो कि वीवो का V9। तो दोस्तों, यही थी हमारी वाईफाई बॉक्स की पूरी सेटअप। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मिल जाती है कि वाईफाई की एंटेना, और यहाँ पर आपको वीडियो पोर्ट वाली ऑप्शन, और यहाँ पर आपको AC अडेप्टर की ऑप्शन मिल जाती है, और यहाँ पर आपको मिल जाती है HDMI पोर्ट जिसकी मदद से आप HDTV में देख सकते हो।
तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने पुराने वाले CRT टीवी में आप इंटरनेट की मजा उठा सकते हो और इसमें देख सकते हो YouTube की सारी वीडियोस एंड आप Google मैप्स भी देख सकते हो और भी आने वाले दिन में उम्मीद किया जा सकता है और भी नए नए ऐप्स आए इस बॉक्स में। तो दोस्तों आप भी अगर इस बॉक्स को लेना चाहते हो तो आप अपने लोकल केबल टीवी या अपने डिश की जो ऑपरेटर या रिटेलर है उसके साथ बात कीजिए और ले लीजिए एक वाईफाई वाला बॉक्स और अपने इंटरनेट के साथ जोड़िए और इंटरनेट का मज़ा उठाइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पूरी की पूरी पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अगर वीडियो के बारे में और भी कुछ जानना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं हर दो दिन में एक नई सी वीडियो लेकर आपके सामने आती रहती हूँ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चलती हूँ, नमस्कार।